स्वागत है दोस्तों साथियों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खोकर एंजॉय ट्रेवल्स में। और आज हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को दिखाने का मतलब किसी के दिलों को विचलित करने का नहीं है, ना ही कोई मनोरंजन का है। ये सिर्फ एक संवेदना है और एक कह सकते हैं आप सावधानी बरतने के लिए मैंने आपको ये वीडियो अपलोड किया है। हो सकता है यूट्यूब हमारे इस वीडियो पर कुछ क्लेम ला दें क्योंकि इस वीडियो में कुछ दृश्य ऐसे हो सकते हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लोनावाला भूसी डैम का है, आपने देखी होगी, पढ़ी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह कुछ लोग या यूं कहें परिवार के सदस्य घूमने के लिए पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं और वहाँ जो पिकनिक स्पॉट है वो एक पुराना झरना है और बरसात के मौसम में ये झरना ओवर फ्लो होता है। तो ये सभी जो परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, ये इस पिकनिक स्पॉट पर घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर कुछ तस्वीरें भी लेते हैं। और पीछे जो झरने के जो बांध भूसी बांध एकदम से तेज़ हो जाता है पानी का फ्लो, या यूं कहें कि बांध जब भर जाता है तो पानी के बांध के गेट खोल दिए जाते हैं जिससे कि ये पुराना झरना जो था ये ओवर फ्लो हो जाता है। और ये परिजन, ये परिवार के लोग जो यहाँ पे तस्वीरें ले रहे थे, एक दूसरे के साथ में आनंद ले रहे थे, मनोरंजन के लिए गए थे, वो वहीं पे फंस जाते हैं। तो कुल 10 लोग होते हैं ये और छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं, बुज़ुर्ग भी हैं इनमें, इसमें बड़े भी हैं और ये महिलाएं भी दिख रही है। तो किस तरह ये बुरी तरह इस पानी में फंस जाते हैं दोस्तों, और बचाने वाले क्योंकि यहाँ पर बचाव की कोई सामग्री इनके पास होती नहीं है, ये आसपास की पेड़ों की डालियाँ तोड़ते हैं, झाड़ियाँ। और ये देखें आप किस तरह पानी का फ्लो तेज़ होता गया है, पीछे से एक और झरना जो आ रहा है वो भी उधर से भी पानी तेज़ आ रहा है। तो इस तरह ये पानी का फ्लो बढ़ता ही जा रहा है और आप देख सकते हैं ये जो पुराना झरना है ये इसमें पानी की कितनी तेज़ी हो चुकी है। और बचाव कर्मी यहाँ पर मौजूद है नहीं, वहाँ जो गए थे जो लोग वही बचाव में जुटे रहते हैं लेकिन अच्छी तरह से कोई मदद मुहैया नहीं हो पाती है। और ये देखें आप किस तरह ये पेड़ों की डालियां तोड़ के इनको बचाने की जो नाकाम कोशिश है वो कर रहे हैं और पानी का फ्लो भी तेज़ होता जा रहा है। देख सकते हैं परिजन किस तरह एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, बचाव की कोशिश या यूं कहें बचाव के लिए आवाज़ दे रहे हैं लेकिन कोई बचा नहीं पा रहा। कुल छोटे बच्चे भी हैं आप देख सकते हैं 4 और 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके टोटल ये 9 या 10 हैं यहाँ पे जाने फंसी हुई। और पुरजोर कोशिश हैं जो परिवार के पुरुष सदस्य हैं बचाने की, उनको थमे हुए हैं लेकिन पानी का फ्लो तेज़ है, इनके घुटनों से ऊपर होता जा रहा है, बच्चे गोद में भी हैं। तो बड़ा ही ये दुख देने वाला दृश्य है, बहुत ही दुख हुआ इस दृश्य को देखकर। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी जगहों पर ना जाएँ, और अगर आप ज़्यादा ही घूमने का शौक़ रखते हैं तो अपने जो सुरक्षात्मक उपकरण है या सुरक्षा को पहले ध्यान में रखें दोस्तों, क्योंकि ऐसी जगहों पे अब पता नहीं कि ये कौन सा झरना है, कहाँ से पानी तेज़ आ सकता है। तो नदियों में, बाड़ों में, क्योंकि देखो मेरे साथ एक बार ऐसा हो रखा है, मेरे दोस्त कश्मीर घूमने के लिए गए थे तब वहाँ पर भी इसी तरह वो फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में थे और एक पहाड़ी चट्टान से वो फिसल कर उस झरने के अंदर गिर गए थे। मैंने उनको मना किया था लेकिन वो माने नहीं, लेकिन जैसे ही वो एक बंदा फ़ोटो खिंचाने के लिए जाता है दूसरा बंदा भाग के आता है कि मेरी भी तस्वीर लो, इतने में उसके हाथ से धक्का लगता है और दोनों पानी फिसलन भरी जगह थी पानी में गिर जाते हैं। हाँ हालांकि उनको बचा लिया जाता है, हमारे दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने मेरे मफलर से और अपने मफलर से या और भी कपड़े कुछ लेके उनकी तरफ फेंके जिसको उन्होंने पकड़ लिया। तो यहाँ पे भी मैं चाहता कि अगर कोई होता तो अपने जो भी कपड़े इनके पास अवेलेबल थे, इनकी चुन्नी दुपट्टे वगैरह या कुछ भी हो, पैंट शर्ट, उनको डाल के इनको बचाने की कोशिश। ये देखें कैसे किस तरह एक पहली महिला का हाथ छूटा, ये दूसरा गया, ये तीसरा गया, ये देखें 3 बच्चे चले गए पानी में, ये महिला पानी में बह चुकी है और ये तेज़ बहाव वाला पानी उसको ले जाता है आगे। और अब ये लोग जो हैं बचे हैं वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, इनमें से कुछ बचेंगे, आपने वीडियो देखा भी है, आपने न्यूज़ भी पढ़ी है। तो ये मौत इनके सामने नज़र आ रही है, किस तरह अपने परिजनों को बहते हुए देखना बड़ा ही दुखदायी होता है। ये मदद की गुहार लगा रहे हैं मगर मदद इनके पास नहीं पहुंच पा रही है। जो लोग हैं वो भी, क्योंकि उनके पास कोई सामान है नहीं तो वो भी कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं, उनका दिल भी ज़रूर विचलित होता है।
लेकिन वो क्या करें, उनके हाथों में कुछ है नहीं। और ये देखें ये किस तरह पानी का बहाव तेजी से इनको धक्के मार रहा है, इनको बहा रहा है। ये एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, अपने ही सामने अपने परिजनों को जाते हुए देखना बहुत ही दुखदायक है, और मौत को इतने नज़दीक से देखना ये बहुत ही विचलित कर देने वाला दृश्य है मेरे दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, बार बार यही कहता हूँ कि आप ऐसी जगहों पर ना जाएं, ऐसी जगहों से बच के रहें, दूर से रहें। दुनिया में बहुत शौक हैं आपकी फ़ोटोग्राफी, आपकी जान ना ले ले कहीं रील बनाने के चक्कर में आप लोग जो हैं इस दुनिया को ना छोड़ बैठें, ये बहुत महंगा पड़ सकता है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप ये एक दूसरे का हाथ थामे हुए किस तरह से हैं, अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद के लिए ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मदद इनके पास कोई पहुंच नहीं पा रही है। पानी का फ्लो भी बढ़ता जा रहा है, पीछे से देखें पानी कम तेज़ था पहले, लेकिन अब और भी तेज़ हो गया है, और इनकी सांसें भी उखड़ रही है, या यूं कह सकते हैं इनका दामन, इनके पांव, इनके हाथ एक दूसरे का साथ छोड़ने पर मजबूर हैं। इनके हाथ जो हैं दोस्तों ये एक दूसरे का साथ छूट रहा है इनसे, और किस तरह से आप देख सकते हैं। और ये देखें वो बच्चा फिसल गया, ये एक बच्चा गया, अब जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ा और ये दूसरा भी गया, और बड़ा ही दर्द रहे, ये सारे के सारे चले गए पानी में। तो ये बहुत ही दुख देने वाला वीडियो है दोस्तों। मैं आप लोगों से यही बार बार अपील करता हूँ कि ऐसी जगहों पर ना जाएं। आपने न्यूज़ में भी पढ़ा है इनमें से कुछ लोग जो थे सिर्फ दो या चार लोग वही बच्चे थे, और बाकी लोग काल का ग्रास बन चुके हैं दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप लोग ऐसी जगहों पे ना जाएं, इनसे जितना ज़्यादा दूर हैं वो उतना बेहतर होगा दोस्तों। आपको वीडियो विचलित करने वाला है, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। शुक्रिया।